हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, कुछ लहसुन की कलियां डालेंगे, कुछ अदरक के टुकड़े डालेंगे, थोड़ी सी लौंग डालेंगे और हरी इलायची डालेंगे। सबको अच्छे से भूनेंगे। अब प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़ा सा मुलायम हो जाएगी, तब हम टमाटर डालेंगे। प्याज मुलायम हो चुकी है, अब एक कटोरी कटे हुए टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच, क्योंकि नमक हमें अभी बार बार लेना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, जिससे कि सब्जी में बराबर आए। ये देखिए टमाटर काफ़ी गल चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंडर में डालकर हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई लौकी ली है और उसका पानी हाथ से निचोड़ कर निकाल देंगे और उस पानी को फेंकेंगे नहीं, उसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। मैंने एक छोटी लौकी का इस्तेमाल किया है, जिससे ये कसी हुई लौकी आपकी एक कटोरी के लगभग होगी। ये देखिए ये देखिए लौकी का इतना पानी निकला है, इसे फेंकिएगा नहीं, इसे ग्रेवी में डाल दीजिएगा। ये देखिए कसी हुई लौकी एक कटोरी है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, आधी कटोरी बेसन डालेंगे, ज़्यादा बेसन मत लीजिएगा, नहीं तो कोफ्ते कड़े बनेंगे। आधी चम्मच हल्दी ली है, चौथाई चम्मच जीरा लिया है, और चौथाई चम्मच नमक लिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके कोफ्ते बनाएंगे। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते हम थोड़ा लंबे आकार में बना रहे हैं, इसे आप गोल भी बना सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब हम सारे कोफ्ते तल लेंगे। तुरंत बना बना कर तलते जाइएगा, रखिएगा नहीं। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखिएगा। जब सारे कोफ्ते एक तरफ थोड़ा सा तल जाए,
तो दूसरी तरफ तलिएगा। इसी तरह उलट पलट कर हम सारे कोफ्ते तल लेंगे। इसी तरह से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बनाने चल रहे हैं। रिफाइंड ऑयल में ही हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। जितना ज़्यादा था उतना मैंने रिफाइंड ऑयल निकाल दिया, थोड़ा सा फ्राई करने के लिए बचा लिया था उसी में मैंने देसी घी डाल दिया 1 चम्मच। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़े से तेज पत्ता डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उस हिसाब से डालिएगा। जब ये तड़का हल्का सा भुन जाए तब हम ग्रेवी डालेंगे। ये देखिए मैंने ग्रेवी को पीस लिया है। अब हम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी डालकर कुछ देर तक भूनेंगे। लौकी का पानी जो बचा था उसको भी ग्रेवी के साथ में ही डाल देंगे। जो मसाला मैंने ग्राइंडर में डाला था ये वही मसाला है। एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। जब ये थोड़ा बॉयल होने लगेगा तो इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। चौथाई चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। फिर अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा और आप 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। ये देखिए दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, लेकिन हाँ दोस्तों दही आपकी फ्रेश होनी चाहिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। दही डालकर फिर अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी कितनी थिक होने लगी है। ग्रेवी हमारी बन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे।
थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ कर डालिएगा तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हाँ दोस्तों, जब आपको कोफ्ते सर्व करने हो तभी उस पर ग्रेवी डालिएगा, नहीं तो कोफ्ते ग्रेवी पी जाते हैं। ये देखिए, अब हम कोफ्ते सर्व करने चल रहे हैं तो उसके ऊपर हम ग्रेवी डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक कोफ्ता कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।